और चैनल पर खैर काफ़ी समय से सौरभ आ रहे हैं, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सौरभ मुखर्जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ चुके हैं और एम्बिट कैपिटल के भी सीईओ रह चुके हैं, सेबी के कई वर्किंग ग्रुप्स में भी जुड़े हैं, और जैसा मैंने कहा कि एक काफ़ी बड़े फंड मैनेजर से माने जाते हैं। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। आज ऑब्वियसली आपसे पहला सवाल तो आपकी जो सबसे बड़ी पोर्टफोलियो होल्डिंग है उस पर ही होगा, HDFC बैंक पर, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है सोशल मीडिया में कि रिजल्ट्स अच्छे हैं या ख़राब हैं, सब शायद अपने अपने लेंस से देख रहे हैं उसको। आपने नंबर्स पढ़े, आपको कैसे लगे नंबर्स और आपका क्या व्यू है? सोचिए अनुज, ताज्जुब की बात है कि रिजल्ट आने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आता रिजल्ट्स अच्छे हैं या बुरे बुरे हैं। तो देखिए, 25 साल से HDFC बैंक अच्छे रिजल्ट दे रही है। ये रिजल्ट्स भी अच्छे थे, मेरे ख्याल से काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है समझना कि रिजल्ट्स अच्छे थे। मैं तीन आंकड़े देता हूँ। आप HDFC लिमिटेड को एक फॉर मिनट भूल जाइए। अगर आप एक्सक्लूडिंग HDFC लिमिटेड देखें, HDFC बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम YOY करीबन 30% छलांग मारा। एक्सक्लूडिंग HDFC लिमिटेड अगर आप देखें, HDFC बैंक की NPA रेशियो आ रही है, ग्रॉस NPA रेशियो 1.12% का। ये दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले, दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले का करीबन आधा है। सो एक्सक्लूडिंग HDFC लिमिटेड 1.12 का NPA रेशियो दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले करीबन आधा है। और तीसरा चीज, लायबिलिटी फ्रेंचाइज, डिपॉजिट्स की ग्रोथ 18% YOY आ रही है। ये सबसे अहम आंकड़ा है हमारे लिए, मार्सलस के लिए। इतना बड़ा होल्डिंग हमारे लिए, डिपॉजिट्स का ग्रोथ 18% के ऊपर आ रहा है। इट्स दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि HDFC लिमिटेड की जो लोन बुक है वो धीरे धीरे HDFC बैंक के डिपॉजिट से फंडेड हो जाएगी। इससे कंबाइंड एंटिटी की इंटरेस्ट मार्जिन आगे जाते हुए बढ़ेगी। फाइनली रही बात, काफी लोग काफी गपशप कर रहे थे इंडिया में, काफी देर से गपशप कर रहे थे कि HDFC लिमिटेड आ जाएगा, HDFC लिमिटेड की डेवलपर बुक है, इससे स्ट्रेस बन जाएगा, कुछ ना कुछ भूचाल आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑन द मर्जर डेट, ऑन 1 जुलाई, कंबाइंड एंटिटी का ग्रॉस NPA रेशियो 1.42% था, वो विदिन 3 मंथ्स गिर के 1.34 हो गया है। मेरे ख्याल से आगे जाते हुए ये NPA रेशियो और घटती रहेगी। सो फॉर फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट, पहला रिजल्ट जुड़े हुए एंटिटी का, मेरे को तो बहुत मजा आया देख के। शानदार बैंक है, 25 साल से अच्छा बिजनेस चल रहा है, और मेरा, मेरे माँ बाप का, हमारे 10,000 क्लाइंट्स का इसमें निवेश है थ्रू मार्सेलस पोर्टफोलियोस। तो ये बात हो गई HDFC बैंक की। अच्छा सर, कोई और स्टॉक पिक किया क्या आपने रिसेंटली, जिस पर आप डिस्क्लेमर के साथ बातचीत कर सकते हैं, जो हमने पिछले इंटरेक्शन में नहीं डिस्कस किया हो? हाँ जी, देखिए हमने लास्ट 3-4 महीने में ट्रेंड में एक पोजीशन बनाई है हमारे कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो में, और हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो राइजिंग जायंट्स में भी ट्रेंड आया है। क्यों लाए हैं ट्रेंड? 10-12 साल से मैनेजमेंट से परिचित है, कंपनी से परिचित है, लेकिन 2-3 साल पहले तक सिर्फ वेस्ट साइड ही था। ट्रेंड के पास एक ही इंजन था पैसा कमाने का, वेस्ट साइड था। लास्ट 3-4 साल में हमारे हमारे रिसर्च के मुताबिक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जूडियो को दमदार फ्रेंचाइज बनाया है, करीबन 400-500 स्टोर, और जूडियो ने 3-4 चीजें करके दिखाई है जो मेरे ख्याल से दूसरा कोई अपैरल में नहीं कर पाया है। पहला है जूडियो का जो ये फास्ट फैशन का फॉर्मेट है, करीबन 7-8 दिन में दुकान के सारे कपड़े बिक जाते हैं। ये इस रफ्तार से किसी और रिटेलर ने इन्वेंट्री को बेचा नहीं है। कुछ कमाल वैसा जैसा एशियन पेंट्स ने पेंट में किया है, उस प्रकार का रैपिड इन्वेंट्री टर्न जूडियो दिखला रहा है रिटेल में। दूसरी चीज है, 300, 400, 500 रुपए के कपड़े हैं, सस्ते कपड़े हैं, फास्ट फैशन है, युवा युवा लोगों की तरफ ये टारगेटेड है, लेकिन दुकान बहुत बढ़िया दिखती है। जूडियो का दुकान अच्छा फॉर्मेट है, देखने में अच्छा है, कपड़े भी सस्ते हैं और रफ्तार से इन्वेंट्री निकल रही है। और तीसरा जो चीज जो मैंने देखा है, इन्होंने इनका रोल आउट का स्पीड, रैंप अप का स्पीड बहुत ही रैपिड है। करीबन 400-500 जूडियो खुल चुके हैं। हमारा अंदाजा है साल में ये आराम से 300-400 जूडियो खुल पाएंगे, और अगले 3-4-5 साल में हमारी उम्मीद है कि करीबन 2,500 जूडियो के आउटलेट्स होंगे। तो ट्रेंड में हमारा पोजीशन वेस्ट साइड तो कमाता था ही, जूडियो एक नया दमदार इंजन बन गया, और उसके साथ साथ हमारी उम्मीद है कि स्टार बाजार इनका ग्रोसरी फॉर्मेट भी प्रॉफिटेबल बन जाएगा। इन तीनों ड्राइवर्स के बेसिस पे हमने ट्रेंड में बहुत कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स और हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में पोजीशन बनाई है। जी, तो हमने सौरभ जी के दो स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में सम्मिलित उन पर बात की, HDFC बैंक ट्रेंड। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मैं जब इस बार आप आते हैं तो मैं एक एक स्पेस के बारे में जरूर बात करता, डायग्नोस्टिक स्पेस, क्योंकि आपने विजय डायग्नोस्टिक पे कॉल ली थी और आप लोगों ने पोर्टफोलियो में शामिल किया था इसको, अच्छा चला ये, और आपने तर्क भी दिया था कि भाई
डायग्नोस्टिक के साथ साथ इनके पास रेडियोलॉजी भी है। और इनफैक्ट मैं कैलकुलेट कर रहा था mid-22 जब पोस्ट मतलब कोविड जब सारे कोविड रेवेन्यूज कोलैप्स हो गए उसके बाद से अब तक ये करीब करीब 200 रुपये चल चुका है CY23 में, 800 रुपये डॉक्टर लाल पैथलैब चल चुका है CY23 में। अब डायग्नोस्टिक्स पे आपका कन्विक्शन बन रहा है, मतलब एक तो आपका खुद का स्टॉक और क्या ये स्पेस अब थोड़ा सा अपसाइड खोल सकता है क्या? देखिए डॉक्टर लाल पैथलैब से शुरू करता हूँ। यहाँ पे हमने जुलाई 2022 में अपनी पोजीशन डबल की थी। मेट्रोपोलिस में हमने पोजीशन बनाया था करीबन 6 महीने पहले फरवरी मार्च में, और विजय डायग्नोस्टिक्स में पोजीशन बनाया था करीबन अगेन 1 साल पहले, राइट। तो डॉक्टर लाल नॉर्थ में हावी है, मेट्रोपोलिस वेस्ट में हावी है, विजय डायग्नोस्टिक्स साउथ का चैंपियन प्लेयर है। हमने इनको क्यों चुना, बिकॉज हमको लगा कि पोस्ट कोविड जो छोटे छोटे ये प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंडेड लैब्स हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनका कुछ बिजनेस मॉडल खास है नहीं। पीई और वीसी फंडेड जो पैथ लैब्स हैं इनके बिजनेस मॉडल कमजोर है, नाजुक है, ऐप के आसपास आधारित है, और हमको लगा कि इनका बिजनेस सूख जाएगा, कोविड का आरटीपीसीआर का रेवेन्यू भी सूख जाएगा। और वो हमारा जो कॉल था कि पीवीसी वाले डायग्नोस्टिक्स वाले स्टार्टअप डायग्नोस्टिक्स वाले ऐप वाले टेक वाले डायग्नोस्टिक्स वाले इनकी दुकान बंद होगी, और वो कॉल हमारा मोटा मोटी सक्षम रहा है, सक्सेसफुल रहा है। और जिन 3 लैब्स में हमने इन्वेस्ट किया है अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों वाले, इनकी प्राइसिंग पावर और आगे बढ़ी है, रेवेन्यू ग्रोथ 13-14% पे आ गई है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सटीक बोला कि विजय में हमने पैसा बनाया है। डॉक्टर लाल वाई आई थिंक कुछ 5-10% अप है, मेट्रोपोलिस में भी हमारा पैसा बनाना बाकी है, बट हम ओवरऑल स्पेस में बहुत बुलिश है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी घट रही है, अच्छे प्लेयर्स जमे हुए दमदार प्लेयर्स हैं, उनकी ताकत बढ़ रही है, और जैसे जैसे कोविड का माहौल फेड होता है हमारा अंदाजा है कि डॉक्टर लाल का जो पुराना अर्निंग्स ग्रोथ था 20-25% वो रफ्तार डॉक्टर लाल मेट्रोपोलिस का एस्टैब्लिश हो जाएगा। विजय मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ देगा, 25-30% ग्रोथ विजय दे सकता है अगले आने हुए वर्षों में। ओके, तो ये आपका डायग्नोस्टिक स्पेस में व्यू है। अच्छा सौरभ जी, मोटे तौर पे आपने अब तक जो ये आईटी के अर्निंग्स को देखा, ये आपको मोटा मोटी लगी कैसी, और अभी भी आप क्या कहने में समर्थ हैं? आई मीन ये प्राइस आईटी को चेज करने लायक अच्छा है, या फिर आपका झुकाव किसी खास अंश पे है मिड कैप आईटी या लार्ज कैप आईटी में? आईटी पे ये जो नंबर्स देखे आपने अब तक, उसके बाद आपका तर्क क्या कह रहा है इस अर्निंग्स से? पहली चीज तो मेरी पहली सलाह रहेगी आपके दर्शकों को कि क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ज्यादा सोच विचार बहस नहीं करना चाहिए, लंबा सोचना चाहिए, कंपनी के फ्रेंचाइज की अंडरलाइन ताकत को समझना चाहिए। और अगर उस नजरिए से हम आईटी को देखें तो इंडिया में एक ही बाहुबली रहा है आईटी में, और एक ही बाहुबली मेरे ख्याल से आगे जाते हुए भी रहेगा, और उस कंपनी का नाम है TCS, राइट। तो अगर आप देखें TCS लास्ट 20 साल, करीबन 20 साल पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी, लास्ट 20 साल में करीबन 100 गुना दे चुका है ये कंपनी। 24-25% प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन लाती है क्वार्टर अपॉन क्वार्टर ये कंपनी। अर्निंग्स ग्रोथ साइकिल के ऊपरी तरफ 17-18% लाती है, साइकिल जब भी आईटी साइकिल थोड़ा कमजोर है जैसे अभी है, साइकिल के नीचे की तरफ भी 9-10% अर्निंग्स ग्रोथ आराम से ले आती है। हर साल 40-50-60 हज़ार करोड़ का डिविडेंड बांटती है अपने शेयर होल्डर्स को, हमारा प्यार से वो डिविडेंड लेते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं TCS में। तो TCS जैसा कंपनी आप देखिए डील विंस रिकॉर्ड मात्रा पे चल रही है। क्यों डील विंस रिकॉर्ड मात्रा पे चल रही है? बिकॉज पूरा विदेश के फॉर्चून 500 कंपनीज का क्लाउड और AI का पूरा ट्रांजिशन बाकी है। क्लाउड और AI का ट्रांजिशन का काम TCS इंफोसिस जैसे कंपनीज के पास आएगा, ये लोग दबा के कमाएंगे। नियर टर्म वीकनेस पे ज्यादा मेरे ख्याल से बहस करने की या फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। और वीकनेस भी किस प्रकार की, नियर टर्म वीकनेस के दौरान भी TCS की अर्निंग्स ग्रोथ 9-10-11 आ रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन 24-25 आ रही है, अट्रिशन स्टाफ अट्रिशन घट चुकी है। तो अगर कोई कंपनी कमजोरी में इतना नंबर बढ़िया नंबर ला सकता है तो क्रॉस साइकिल तो आपके मेरे लिए मोटा कमा के देगा, इसलिए TCS हमारे लिए काफी सालों से बड़ा पोजीशन रहा है और आगे जाते हुए मेरे ख्याल से रहेगा। ओके TCS। अच्छा सौरभ, अब एशियन पेंट्स में क्या फाइनली एक क्या कहते हैं ग्रेविटी चेक हो रहा है क्या? क्योंकि लगातार 10 साल तक इस स्टॉक ने एक आउट परफॉर्म किया इंडेक्स को, लेकिन अभी पिछले कुछ 6 महीने 1 साल से थोड़ा ये स्टॉक फंसा है, क्या भी होगा अब इस समय फ्रेश एशियन पेंट्स पर?
अगर आप फंसने की बात करें उसको हॉलीडे पीरियड बोलते हैं, फंसने की बात करें तो पहले भी फंसा है स्टॉक, राइट, एचडीएफसी बैंक भी पहले फंसा है, एशियन पेंट भी फंसा है। फंसने की बात हम स्टॉक मार्केट के प्राइस मूवमेंट के तरफ से बोल रहे हैं। मुनाफा कमाने के तरीके से कोई फंसा नहीं है। अर्निंग्स कंपाउंडिंग फर्स्ट क्वार्टर में 50% था, ईयर टू मार्च 23 में भी 50% अर्निंग्स कंपाउंडिंग आई। तो अगर कोई कंपनी 30-40-50% अर्निंग्स कमाता जा रहा है तो मेरे को ज्यादा ऑनेस्टली स्टॉक प्राइस पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कॉम्पिटिटिव थ्रेट यहाँ पे नजर नहीं आ रही। और लीविंग असाइड पेंट में जो बहस चलती रहती है कि जेएसडब्ल्यू पेंट ये करेगा, ग्रासिम वो करेगा, लीविंग दैट बहस असाइड, होम डेकोर में उन्होंने जो लास्ट 3-4 वर्षों में करके दिखाया है, मेरे को लगता है कमाल का प्रदर्शन है। विदाउट रेजिंग एनी न्यू फंडिंग, शेयर होल्डर्स के एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स को लेकर उन्होंने होम डेकोर का लार्जेस्ट बिजनेस खड़ा किया है। मेरे ख्याल से पेपर फ्राई के मुकाबले दुगुना या तिगुना बड़ा धंधा बनाया है, प्रॉफिटेबल धंधा बनाया है। और मैं एज अ शेयर होल्डर, मेरे को, मैंने पेंट की कंपनी ली थी 4 साल पहले, मेरे को मुफ्त में इंडिया का लार्जेस्ट होम डेकोर बिजनेस मिल गया। ये होम डेकोर बिजनेस पेंट के मुकाबले, होम डेकोर इंडस्ट्री पेंट के मुकाबले 5 गुना बड़ी है। यहाँ पे कोई एस्टैब्लिश बाहुबली नहीं है। मेरे ख्याल से अगले 10 साल में अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि एशियन पेंट सिर्फ पेंट का ही राजा नहीं, होम डेकोर का कंसोलिडेटेड राजा बन जाएगा। किचनवेयर, बाथरूम्स, वॉलपेपर, पूरा घर का काम आपके मेरे लिए ये करके देगा। अर्निंग्स कंपाउंडिंग दौड़ रही है, दमदार रफ्तार से दौड़ रही है। कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी मेरे ख्याल से डाइल्यूट हो रही है रादर देन इंटेंसिफाई हो रही है। और शेयर प्राइस अगर 1.5-2 साल से ज्यादा चला नहीं है तो अच्छी बात है, खरीदने का मेरे ख्याल से अच्छा मौका रहा जाता है फिर। ओके।